like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. हमारा झंडा इसलिए नहीं फहरा था क्योंकि हवा चलती है। यह हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो उसकी रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर देता है। भारतीय सेना इस देश की मुट्ठी है जिसकी उंगलियां हैं उसकी रेजिमेंट्स। हर एक रेजिमेंट सेना परिवार का एक सदस्य है और उनकी जीवनी भी। ১৯৭১ पूर्वी पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान से अलग होकर एक नया देश बनाने की जंग लड़ रहा था और आजादी की इस लड़ाई में उनका साथ दे रही थी भारतीय सेना। 10 दिसंबर की रात भारतीय सैनिक एक खास मिशन पर निकले थे। मिशन था मैनामती रिज पर कब्जा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 114 किलोमीटर दूर है लामलाई की पहाड़ी जिसका उत्तरी छोर है मैनामती। पाकिस्तान का मैनामती बसे हथियारों का गोदाम भी था और इस वजह से ये गढ़ की तरह सुरक्षित थे। पाकिस्तानी सेना मजबूत डिफेंस पोजीशन पर थी और इस जंग को जीतना आसान नहीं था। रात 12 बजे भारतीय सैनिकों ने मैनामती पर कब्जा करने का ऑपरेशन शुरू किया। अंधेरी की आड़ में वे एक पहाड़ी पर चढ़े और वहां से फायरिंग शुरू की, लेकिन अफसोस दुश्मन उनकी फायरिंग रेंज के बाहर था। उन्हें किसी तरह और करीब पहुंचना जरूरी था। उन्होंने दूसरी ओर से हमला करने का निर्णय लिया। वो दूसरी पहाड़ी चढ़कर बेस के और करीब पहुंचे और हमला बोल दिया। दुश्मन इस अचानक हुए हमले से चौंक गया, लेकिन सुरक्षा कड़ी थी और पाकिस्तान जल्द संभाल कर भारतीय सेना पर फायरिंग करने लगे। वो आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। दुश्मन की तादाद भी ज्यादा थी और उनके पास बेहतर बंदूकें भी थी और साथ थे टैंक्स। युद्ध का पासा पलटने लगा। स्थिति इतनी गंभीर थी कि भारतीय सेना को वापस लौटने का आदेश दिया गया। लेकिन सिपाहियों पर ऐसा जुनून सवार था कि उन्होंने वापस लौटने के आदेश को अनदेखा करने का फैसला किया। 12 घंटे ये सिपाही अपनी जान की फिक्र ना करते हुए दुश्मन की बेहद मजबूत सेना पर वार करते रहे। 12 घंटे फायरिंग चलती रही, युद्ध चलता रहा, लेकिन 12 घंटे बाद पाकिस्तानी सेना की हिम्मत टूट गई। उन्होंने अपनी पोस्ट छोड़ दी और वे पीछे हट गए। एक बार फिर साबित हुआ कि जीत हिम्मत वालों की ही होती है। जिन साहसी वीरों ने विजय का बिगुल बजाया और मैनामती रिज पर भारत का झंडा फहराया, वे थे सिपाही राजपूताना राइफल्स के। राजपूताना राइफल्स इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी राइफल रेजिमेंट है। राजपूताना ब्रिटिश राज में एक पूरा इलाका कहलाता था जिसमें आज के समय के उत्तर और मध्य के राज्य शामिल हैं, जैसे राजस्थान, गुजरात,
हरियाणा, यूपी का पश्चिमी हिस्सा और मध्य प्रदेश का उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा। क्योंकि ज्यादातर जवान गांव से आते हैं और आप जानते हैं कि गांव में इज्जत और इकबाल सबसे बड़ी चीज होती है। लड़ाई में हार के पीछे जाने वाले की कोई इज्जत नहीं है, सब जानते हैं। और उस वजह से आप देखेंगे बारंबार इतिहास के पन्ने उठाएं, राजरफ के जवान आपको कामयाबी के सबसे बड़े स्तर पर मिलेंगे। राजपूताना राइफल्स का भव्य रेजिमेंट सेंटर भारत की राजधानी दिल्ली में है। मातृभूमि के लिए मर मिटना ये राजपूताना राइफल्स के लिए सिर्फ एक कहावत नहीं, ये उनका पेशा है। इसी जज्बे को दर्शाता भगवत पुराण का एक वाक्य इस रेजिमेंट का सिद्धांत है, वीर भोग्य वसुंधरा। ये संस्कृताइज्ड वर्ड है, इसका मतलब है कि द विक्टोरियस टेक्स द कंट्रोल, यानी जमीन उन्हीं की है जो ब्रेव है, वीर है। वसुंधरा इज लैंड, कि लैंड बिलोंग्स टू द ब्रेव। और राजपूताना की वीर भूमि में रहने वाले इन राजपूतों की बहादुरी को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं सदी में इनको अपनी एक बटालियन में भर्ती किया। इस बटालियन में फ्रांस के सैनिक भी थे और साथ मिलकर इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से कई मोर्चों को संभाला। और फिर राजपूतों की फुर्ती, सूझबूझ और साहस को देख इनकी एक अलग राइफल बटालियन खड़ी की और उसे नाम दिया बॉम्बे सिपोइज। सबसे पहले सिर्फ मस्केट्स हुआ करती थी और यही बॉम्बे सिपोइज के भी पास थी। इसके बाद जब मस्केट्स को अपग्रेड किया गया तो आई राइफल्स। मस्केट सबसे पुरानी बंदूक है। मस्केट और राइफल्स में कारतूस की लोडिंग और अनलोडिंग में फर्क था। मस्केट में मजल के जरिए कारतूस डाली जाती थी जो कि समय लेता था, वहीं जब राइफल्स आई तो यह काम आसान हुआ। राइफल्स में कारतूस पाउडर डाला जाता था और फिर बुलेट्स। मस्केट और राइफल्स की मार्क क्षमता में भी फर्क था। जो यूनिटें ऑपरेशंस में लड़ाई में अच्छा परफॉर्म कर रही थी उनमें से चुन के कुछ यूनिटों को इन्होंने राइफल से इक्विप किया और ये राइफल से इक्विप होने के बाद में वह राइफल रेजिमेंट के नाम से जानी गई। बॉम्बे सिपोइज पहली ऐसी इन्फेंट्री थी जिसमें केवल राजपूत शामिल थे। 1921 में फिर ऐसी छह बड़ी बटालियंस को जोड़कर सिक्स्थ राजपूताना राइफल्स का आगाज हुआ और यही राजपूताना रेजिमेंट बनी हिंदुस्तानी सेना की पहली राइफल बटालियन। उन्होंने गठन किया एक टुकड़ी का या रेजिमेंट का जो कि मेन कॉलम से आगे जाकर के या साइड के जाकर कार्रवाई कर सके। इसमें वो सबसे बढ़िया मार्क्समैन डाला करते थे और ताकि वो छोटी छोटी टुकड़ी के अंदर आड़ लेकर के उसके हिसाब से कार्रवाई कर सके और दुश्मन के ऊपर ज्यादा नुकसान करे। और आज राजपूताना राइफल्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर मोर्चा संभाला हुआ है। इनके रहते हुए सीमा पर कोई भी हलचल नहीं हो सकती। ये घाट लगाए ना सिर्फ अपनी सरहद की रक्षा कर रहे हैं बल्कि सीमा पर से उपजने वाले आतंकवाद पर भी इनकी पैनी नजर है। थोड़ा हिस्ट्री भी हम शेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ। फोर राजरफ जैसे मतलब उसमें एक कंपनी मुस्लिम्स की थी, वो पाकिस्तान चली गई जब बंटवारा हुआ, वो बलूच रेजिमेंट में चली गई, थ्री बलूच में। तो इसलिए हम मेरे ख्याल एक दूसरे को जानते हैं अच्छे तरह से, इसलिए पाकिस्तान बॉर्डर में ज्यादा राजरफ बटालियन लगती है। आजादी से पहले, आजादी के बाद और आज की तारीख में राजरफ ने अपनी वफादारी हिंदुस्तान की आवाम के नाम लिखती है। साल 1999, लोकेशन जम्मू कश्मीर का कारगिल क्षेत्र जो कि भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल से लगा हुआ है। तकरीबन 9000 फीट की ऊंचाई पर सर्दियों में मौसम के बेहद खराब होने की वजह से यहां सैनिकों की निगरानी नहीं होती। इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी सेना ने भारत की सीमा को पार करना शुरू किया और लद्दाख की पहाड़ियों में कई जगह अपने बंकर्स बना लिए। इन्फिल्ट्रेशन जब आप बोलते हो समझते हो आप,
सोचते हो कि उसमें लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, वो मतलब इन्फिल्ट्रेशन में जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, अफगानी भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ हमारे लोग भी हो सकते हैं जो गुमराह हो गए कश्मीर से हो सकते हैं। तो उस समय दिमाग में था कि थोड़ी कम फोर्स लगाई जाए, मिनिमम फोर्स, पर देखा तो रेजिस्टेंस इतना था पहाड़ों पे, ये तो रेगुलर फोर्स की तरह है, पता लगा ये तो पाकिस्तानी फौज जो है वो यू नो उनके चोले पहन के इन्फिल्ट्रेटर्स के वहाँ पहुँच गए। मई की बात है 1999, विलेज है जहाँ पर हमारी कंपनी लगी हुई थी, और हमको सुबह 4 बजे एकदम से हुक्म मिला कि हमें अपनी पूरी कंपनी को क्लोज करके एक ऐसी जगह जाना है जिसके बारे में कुछ पता नहीं था, मगर बोल रहे थे कि कारगिल एक शहर है जहाँ पर कोई पाकिस्तानी घुसपैठी आ गए हैं, उनको खदेड़ने के लिए हमारी पलटन को टास्क दिया गया। NH1 यानी नेशनल हाईवे 1 जो कि श्रीनगर से लेह तक जाता है, कारगिल सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी से साफ साफ दिखता था, यानी इस हाईवे पर किसी भी तरह का मूवमेंट छुपा नहीं था और कोई भी दुश्मन की गोली या बमबारी का टारगेट बन सकता था। और इस पहाड़ी पर पाकिस्तानियों ने कब्जा कर लिया। हम ये महीना बात कर रहे हैं मई 1999, और जैसे ही रास्ता ये खुलता है तो उसके बाद में आपकी जो विंटर या विंटर स्टॉकिंग जो होती है, यानी कि जो राशन वगैरह सामग्री या सामान जो भी सियाचिन ग्लेशियर और आगे वाले ट्रिप के लिए जाना था, उसके लिए रोड की बहुत अहमियत होती है। लेकिन इस पोस्ट को वापस लेना आसान नहीं था। इस ऊंची चोटी पर फतेह पाने के लिए रास्ते में आने वाले दुश्मन के हर बंकर पॉइंट पर कब्जा जरूरी था, और इनमें से एक पॉइंट की ओर बढ़ रहे थे मेजर विवेक गुप्ता। ये एक जानलेवा मिशन था, और इसमें शामिल होने वाले हर एक सैनिक, हर एक ऑफिसर को इस बात का इल्म था। वो जानते थे कि दुश्मन को खत्म करने के लिए सामने से ही वार करना होगा, यानी बेहद करीब से। जो अप्रोच थी वो ऐसे कोई खुली अप्रोच नहीं थी, सिर्फ एक ही अप्रोच थी, एक रिज लाइन है, वो रिज सीधी उसके ऊपर जाती है और दोनों तरफ गहरी खाइयां हैं, तो उस वो जो रिज लाइन थी उस पर ऊपर जाना था, वो पूरा मशीन गन फायर से बिल्कुल पूरा मशीन गन फायर से कवर किया हुआ। और क्योंकि हम एक जिम्मेदार देश है, हमने कहा कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल LC नहीं क्रॉस करेंगे, तो हमने अपने पे इम्पोज किया था। कई ऐसे होता है पहाड़ पे जाने के लिए अलग अलग अप्रोचेस होते हैं चारों तरफ से, और कई अप्रोचेस ज्यादा ग्रेजुअल जो थी वो पाकिस्तान की तरफ से थी, लेकिन हम लोगों ने बोला नहीं, हम LC नहीं क्रॉस करेंगे। मेजर विवेक गुप्ता और उनकी कंपनी ने यहाँ आक्रमण बार किया। भारी गोलाबारी और बमबारी के बीच से होते हुए ये दुश्मन के बेहद करीब पहुंचे। मेजर विवेक गुप्ता ने दुश्मन के बंकर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। एकदम से हुए इस धमाके से दुश्मन अभी संभली ही थी कि मेजर विवेक गुप्ता ने उन पर धावा बोल दिया। 2 गोलियां उनके आर पार हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। मेजर विवेक गुप्ता की जब 2 प्लेटून काफी दुश्मन के फायर के अंदर आ गई थी और वो एडवांस नहीं कर पा रहे थे, तब मेजर विवेक गुप्ता और एक हवलदार महावीर सिंह है, महावीर चक्र, वो आज की तारीख में जिंदा हैं, और उन दोनों ने मिलके और अपने कुछ दस्ते लेके दुश्मन के पीछे की तरफ गए थे, और जो एक बंकर था जहाँ पर उनकी MMG लगी थी जो कि ज़्यादा हमारे एडवांस को रोक रही थी, उसके ऊपर अटैक किया था। गुत्थम गुत्था की लड़ाई जिसको बोलते हैं, वो लड़ाई भी की, और उसी लड़ाई में उनको गोली लगी। घायल होने के बावजूद हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उन्होंने 3 और पाकिस्तानी सैनिकों को वहीं मार गिराया। तब तक उनके दूसरे साथी पोस्ट पर कब्जा करने आगे बढ़ चुके थे।
लेकिन तभी मेजर विवेक गुप्ता को एक और गोली लगी। इस गोली ने उनकी जान ले ली। उनकी इस शहादत ने ही नामुमकिन लगने वाले इस मिशन को मुमकिन किया। उनके इस बलिदान को महावीर चक्र के रूप में सम्मानित किया गया। यही जो हमारी यूनिट की शान है, ये हमें मानती है और मोटिवेट करती है उस के ध्वज को लहराने के लिए और उसको जीत लाके देने। और वो ही मोटिवेट करती है एक एक ट्रुप को, एक एक जवान को, एक एक ऑफिसर को कि अपना कार्रवाई इस बहादुरी के साथ में करे कि वह जीत हासिल करे। दुश्मन पर काउंटर फोर्स करने वाली पहली टुकड़ी को घातक प्लाटून बुलाया जाता है, क्योंकि इस तरह के हमले में शामिल होने वाले हर जांबाज सैनिक सर पर कफन बांध कर निकलता है। और कैप्टन नाइकीज हकुओ कैंगरू से ऐसे ही एक यूनिट के नेतृत्व कर रहे थे। उनके कमीशन हुए सिर्फ 3 महीने हुए थे, मेरी कंपनी के वो सेकंड इन कमांड थे। उनका नाम था, एक्चुअल नाम था कैप्टन नाइकीज हकुओ कैंगरूज, लेकिन हमारे ट्रूप्स जो कि जाट हैं और राजपूत हैं उनको बोलने में बड़ी मुश्किल होती थी, इसलिए वो उनको नींबू साहब प्यार से कहकर बुलाते थे। कैप्टन नींबू मेरी कंपनी के साथ में ही हमको टास्क दिया गया था कि हमको इन्फिल्ट्रेट करके दुश्मन के पीछे की तरफ जाना है और पीछे से उस कंपनी को अटैक करना है। अटैक का टारगेट थी सबसे ऊंची चोटी के पास की एक महत्वपूर्ण पहाड़ी। दुश्मन यहां पर अपना डेरा जमाए हुए थे और उन्हें यहां से निकालना मुश्किल काम था। लगातार हो रही दुश्मन की बमबारी से इस पॉइंट तक पहुंचना मुश्किल था। बहुत टफ टेरेन थी और उस टेरेन में एक आदमी अगर कोई होल्ड कर रहा है डिफेंस में, उसमें 9 से 12 आदमी चाहिए आपको उसको हटाने में। रेशियो इज दैट, जैसे नॉर्मल प्लेन्स में एक डिफेंडर के लिए 3 बंदे चाहिए अटैक में, तो अगर प्लेटून है तो कंपनी से अटैक कर सकते। यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे ऊपर, लेकिन 9 से 12 टाइम्स आपको जोर लगाना पड़ रहा था। रात के अंधेरे में बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ना, वो भी गोलियों से बचते हुए, बेहद मुश्किल था। कमांडो प्लाटून किसी तरह ये दुर्गम रास्ता तो पूरा कर रही थी, लेकिन गोलियों से बचना नामुमकिन सा था। कैप्टन नीबू ऊपर चढ़ ही रहे थे कि एक गोली आकर उन्हें लगी, लेकिन ये गोली उन्हें रोक नहीं पाई। वो तुरंत संभले, अपने साथियों को इसका एहसास तक नहीं होने दिया और उनका मनोबल बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। लेकिन बर्फ होने के कारण जितना ऊपर चढ़ रहे थे उतना ही नीचे भी आ रहे थे, क्योंकि बहुत स्लिपरी था। उस टाइम पे कैप्टन निकोजा कैंगरूज ने यह सोच विचार किया और उन्होंने अपने जूते खोल दिए ताकि उन्हें बढ़िया ग्रिप मिल सके। लहू लुहान हालत में उन्होंने अपने जूते उतारे और कड़कड़ाती बर्फ पर बिना जूते के ग्रिप बनाने की कोशिश की और साथियों के साथ ऊपर पहुंचे, और ये सब एक रॉकेट लॉन्चर को अपनी पीठ पर लादे हुए। इस सब की मुझे रिपोर्ट इसलिए लग रही थी क्योंकि मैं उनसे करीब और 25-30 मीटर पीछे चल रहा था और मुझे उस स्नो के ऊपर वो चढ़ते हुए अपने ही साथी नजर आ रहे थे। लेकिन जब वो तकरीबन 5 या 10 मीटर रह गए होंगे तब दुश्मन को लगा कि अब तो भारतीय फौज हमारे ऊपर आ गई और अब मुश्किल है हमारा यहाँ पर रहना। तब दुश्मन ने अपना जो पूरा पत्थर का संगढ़ बना था वो पूरे के बड़े बड़े पत्थर, तकरीबन इतने बड़े पत्थर थे, वो हमारी भारतीय फौज के ऊपर लुढ़का दिए। उसके लुढ़काने से मैंने सडनली देखा कि मेरे कई सारे सोल्जर्स क्योंकि वो ऐसे ऊपर से नीचे गिर रहे थे
जैसे कि कसाई किसी को काटता है, उस तरह से उनकी सोल्जर्स मेरे नीचे गिर रहे थे। मगर मुझे, मैं निमू साहब तरफ चिल्ला रहा था, कुछ देर तक तो उनकी आवाज आती रही और मुझे पता चलता रहा कि वो एडवांस कर रहे हैं। मगर कुछ ही देर बाद तो आवाज आना बंद हो गई। आखिरी दम तक कैप्टन नेबू दुश्मन से लड़ते रहे और जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, उनकी पूरी यूनिट दुश्मन के बंकर पर पहुंच चुकी थी। लोन हिल पर कब्जा हो चुका था। उनके साथियों ने उन्हें आखिरी अलविदा ये कहते हुए किया, ये जीत आपकी है नेबू साहब, ये जीत आपकी है। राजरिफ का जवान कट सकता है मगर मुड़ नहीं सकता, झुक नहीं सकता। कैप्टन नाइके ज़ाकुहो कैंगरूज को मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और 13 जून को सवेरे 10:30 बजे के आसपास सीओ साहब ने उस टाइम पे सफलता की घोष करी और कहा था कि हाँ, तो लो लेंगे, अब हमारा है। मिट्टी के लिए लड़ने वाले ये सैनिक मिट्टी में मिलने से पीछा न कभी हटे हैं, न कभी हटेंगे। आजादी के साथ भारत को मिला बंटवारा। पार्टीशन भारतीय इतिहास का वो समय है जहां के मिले हुए जख्म आज भी महज जिक्र से हरे हो जाते हैं। पाकिस्तान पार्टीशन की आड़ में कश्मीर पर कब्जा करना चाह रहा था। भारतीय सेना ढाल बनकर खड़ी थी और इनमें डटकर दुश्मन का सामना कर रहे थे राजपुताना राइफल्स के जवान। जम्मू कश्मीर का टिटवाल सेक्टर आज की तारीख में एलओसी पर हिंदुस्तान का आखिरी गांव है। टिटवाल पर पाकिस्तान की नजर शुरू से ही थी, क्योंकि टिटवाल पर कब्जा करने से उसका कश्मीर में आगे बढ़ने का रास्ता साफ था। और यही सोचकर पाकिस्तानी सेना ने हमला बोलने की जुर्रत की। उसका टेरेन आज भी आप देखेंगे तो दिल दहल जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर दुश्मन बैठा हो और आपको नीचे से फ्रंटल अटैक करना पड़े तो ऐसा खौफनाक मंजर शायद आपको कहीं और दूसरी जगह नहीं देखने को मिलेगा। और टिटवाल में मौजूद राजपुताना राइफल्स की इस बटालियन का नेतृत्व कर रहे थे कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह। एक तरफ खाई और दूसरी तरफ दुश्मन की बंदूकें, एक कदम चल पाना मुश्किल था। हमला इतना भयंकर था कि आधे घंटे में 50 से ऊपर सैनिक घायल हो चुके थे। पाकिस्तानी सेना की एक मीडियम मशीन गन पोस्ट ने नाक में दम कर रखा था। सबसे ज्यादा सेना को नुकसान यहां से हो रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब दुश्मन की रूह कप कपा देने वाली दहाड़ से टिटवाल की ये पोस्ट कांप उठी। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह राजपुताना राइफल्स के युद्ध घोष को चीखते हुए दुश्मन की इस मशीन गन पोस्ट पर टूट पड़े। मशीन गन की ये गोलियां अब उनके आर पार हो रही थी, लेकिन वो रुके नहीं। और तभी एक ग्रेनेड उनके चेहरे के पास फटा, पर उसकी फिक्र के बिना उन्होंने कोशिश करी दूसरे बंकर की तरफ जाने की। वो उसके बाद दूसरे बंकर की तरफ गए, वहां पर उन्होंने ग्रेनेड लॉबिंग करी और ग्रेनेड लॉबिंग करने का उस बंकर को उन्होंने हासिल किया जहां पे दो एनिमी रह गए थे। उसको उन्होंने गुत्थम गुत्था की लड़ाई में उसको क्षतिग्रस्त किया। उसके बाद लाश बंकर रह गया था जिसमें वो उस समय सीटें पीरू सिंह अकेले रह गए थे। आंखों की धूमिल होती रोशनी, शरीर पर ग्रेनेड के छर्रों और गोलियों के घाव लिए हुए पीरू सिंह ने अपनी बंदूक के बेयोनेट को अपना हथियार बनाकर आगे बढ़ना शुरू किया। उनका शरीर मानो दम छोड़ने से इनकार करते हुए लड़े जा रहा था, लेकिन जब आखिरी गोली उनके सर पर लगी,
उनका हाथ का ग्रेनेड हवा में था और इस पोस्ट की तबाही उनकी शहादत ने लिखी। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह को मरणोपरांत भारतीय सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया गया। इस जंग में छह राजरिफ की बहादुरी को सहराते हुए दारापरी जम्मू कश्मीर का बैटल ऑनर रेजिमेंट के नाम हुआ। बैटल ऑनर एक ऐसा सैन्य सम्मान है जो कि पूरी यूनिट के अभूतपूर्व योगदान और प्रदर्शन को सराहते हुए दिया जाता है। और राजपुताना राइफल्स के नाम तो कई बैटल ऑनर्स और थिएटर ऑनर्स हैं। 1948 में ही लेडी गली जम्मू कश्मीर, 1965 में चारवा सियालकोट सेक्टर, 1965 में ही असल, 1971 में मैनामती बांग्लादेश और 1971 में ही बसंतर शक्करगढ़ के युद्ध सम्मान रेजिमेंट के नाम है। जिन्होंने भी अपनी जान की बलि दी वो राजपुताना राइफल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, एक एक मार्टियर। पर उनमें कुछ ने और भी ज्यादा बहादुरी दिखाई और उनको उनकी बहादुरी को रिकग्नाइज करके उनको गैलेंट्री अवार्ड्स मिले। राजपुताना राइफल्स भारतीय सेना की सबसे सम्मानित बटालियंस में से एक है। एक परमवीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 10 महावीर चक्र, 11 कीर्ति चक्र, 51 वीर चक्र, 52 शौर्य चक्र और कई सेना मेडल्स। और इस गौरवशाली इतिहास का साक्षी है रेजिमेंट सेंटर में बना संग्रहालय। 7,000 स्क्वायर फीट एरिया में बना रेजिमेंट का म्यूजियम भारत का पहला आधुनिक सेना संग्रहालय है। रेजिमेंट की हर एक उपलब्धि, उनके बैटल ऑनर्स की कहानियां, बहादुरी की मिसालें सब यहां देखने सुनने को मिलती हैं। अमूमन तौर के ऊपर एक यूनिट की जो हिस्ट्री का कस्टोडियन है वह ऑफिसर्स मेस, और अप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट के साथ उनको शोकेस किया जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूनिट्स ने उसको एक म्यूजियम के तौर के ऊपर अपने एक और रखना शुरू किया, जिससे कि जो उनके ट्रुप्स हैं वह भी उसको देखें और उससे मोटिवेशन हासिल करें। यह म्यूजियम हर एक जवान को ट्रेनिंग के दौरान दिखाया जाता है। वीरता की कहानियां उन्हें सुनाई जाती हैं ताकि वो ये महसूस कर सके कि वो किस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। राजपूत खून में जुनून और जज्बा पैदाइशी होता है और फौलाद उन्हें रेजिमेंट बना देती है। किसी भी रेजिमेंट के लिए वार कराई और उनका जो मोटो है ये दोनों चीज बहुत बेहतर। हमारा है राजा रामचंद्र की जय। तो जो ही आप ये सुनते हो तो आपको जोश जो होता है बदन में कि आप कोई भी खतरा जान की परवाह नहीं होते। राजा रामचंद्र की जय इनका युद्ध घोष पूर्व जिन के जमाने से इनके साथ रहा है और पलटन का सम्मान बनाए रखना इनका सबसे पहला धर्म। कहते हैं फौज में ट्रेनिंग जंग से कहीं ज्यादा कठिन है और चुनौतियों से भरी होती है। एक ऐसे फौलाद को तैयार किया जाता है जो अपने पसीने से अपनी खून की कीमत बढ़ाता है, और खासकर राजपुताना राइफल के लिए तो ये कहीं ज्यादा कठिन है क्योंकि ये एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है और इन्हें कई कठिन शारीरिक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। एक सोल्जर्स के लिए उसकी बटालियन और उसकी रेजिमेंट एक जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। बिकॉज 365 दिन में से वो 275-280 दिन अपनी रेजिमेंट और अपनी बटालियन के साथ लगाता है, तो ये उसकी एक्चुअली में पहली फैमिली होती है। तो फैमिली का इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में बहुत बड़ा होता है, तो ये तो हमारे लिए एक फैमिली फील है। बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग 19 वीक्स से चलती है जिसमें आफ्टर 8 वीक्स सोल्जर कैडेट यहाँ पे आता है और 5.56 राइफल से प्रैक्टिस करता है, जिसके लिए हम उसे एक प्रैक्टिस में 31 राउंड देते हैं जो कि अलग अलग रेंज से 50 मीटर 100 मीटर 200 मीटर जैसे आप देख रहे हैं 300 मीटर इन रेंजेस से वो फायर करता है और डिफरेंट पोजिशन से। और हमारा
हमारा जो मुद्दा रहता है लास्ट में, एक गोली एक दुश्मन का रहता है। एक समय ऐसा था जब मस्केट यानी सबसे पहली राइफल्स की मार्क क्षमता 50 मीटर की रेंज पर एक मिनट में 3 राउंड फायरिंग की थी। समय और आधुनिक तकनीक में रोज हो रहे नए सुधारों के चलते आज राइफल्स 300 से 800 मीटर दूर एक मिनट में 600 से 900 राउंड फायर कर सकती है। और ऐसी ही राइफल्स आज हमारे सैनिकों के हाथों में है। यहाँ पे जो हम रिक्रूट्स को ट्रेन करते हैं, वो हम एक सिविलियन से पहले उसको हम सोल्जर बनाते हैं इस फायरिंग रेंज के अंदर लाके। शस्त्र पूजा तो सभी करते हैं दिवाली से पहले दशहरा के टाइम, लेकिन हम लोग हमेशा राइफल को अपना फ्लैग मानते हैं कि यही हमारी इज्जत है, यही हमारी आबरू है और यही हमारी जान की हिफाजत करेगी। और इन राइफल्स का एक अहम हिस्सा है बेनेट यानी संगीन। ये राइफल का धरीधार वो अगला हिस्सा है जो कि अक्सर मैदान जंग में इस्तेमाल किया जाता है जब लड़ाई बेहद आमने सामने की होती है और जब कारतूस खत्म हो जाती है। इसका वार काफी तेज और गहरी चोट देने वाला होता है। बेनेट के साथ एक खाली राइफल भी बहुत खतरनाक होती है। जो आखिरी की लड़ाई होती है वो बिल्कुल आमने सामने की होती है, जिसमें गुत्थम गुत्थे की लड़ाई और बेनेट से दुश्मन को बर्बाद करने की कार्रवाई की जाती है। ट्रेनिंग का एक बेहद अहम हिस्सा खेल भी है और राजपुताना राइफल्स ने साल दर साल एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, स्विमिंग, रेसलिंग, कबड्डी जैसे खेलों में अपने बेहतरीन प्रदर्शन से रेजिमेंट का नाम रोशन किया है। द्रोणाचार्य और अर्जुन अवार्ड्स भारत में दिए जाने वाले खेल के क्षेत्र में सबसे बड़े सम्मान हैं और राजपुताना राइफल्स के जवानों और अफसरों ने 55 अर्जुन पुरस्कार अपने नाम किए हैं। मेडल्स लेना ये एक गर्व की बात है, इसके अलावा स्पोर्ट्स जो है आर्मी लाइफ के अंदर उसकी बहुत बड़े महत्व है। ये एक जरिया है जिसमें जो एक टीम स्पिरिट, एक कॉम्पिटिटिवनेस की जो भावना है वो साथ में मिल के आती है। ऑफिसर्स जेसियस जवान जब साथ में मिल करके कम्पीट करते हैं तो ना ही उनकी शारीरिक क्षमता और एजिलिटी इन चीज़ों पे ध्यान होता है, बल्कि एक साथ मिल करके एक टीम के तौर पे काम करने की काबिलियत को बढ़ाने वाली बात जो है स्पोर्ट्स में। सैन्य प्रशिक्षण में अक्सर कहा जाता है The more you sweat in peace, the less you bleed in war. और जिस कड़ी ट्रेनिंग से ये जवान होकर गुजरते हैं वो उनके खून के हर कतरे की कीमत बढ़ाती है। नाम, नमक, निशान और मूछे राजपुताना राइफल्स की शान है। अपने पहनावे पर भी राजपुताना राइफल्स के जवानों का खास ध्यान रहता है। आज रेजिमेंट के फौजी बड़े ही प्यार से अपनी मूछों को रखते हैं, उन्हें सवारते हैं, उन पर इतराते हैं और हर बात पर मूछों की कसम तक खा लेते हैं। ये साहब, ये हमारी मूछें, हमारी शान है। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, वो भी राजपुताना राइफल्स में सर्विस करी, वो भी मूछे रखते हैं। शौक है यार मूछे रखने का। वो रिटायरमेंट हो गए तो भी अभी तक उनकी मूछे ऐसी है। राजपुताना राइफल्स के जवान जो है इससे बड़ी दूर से पहचान में आते हैं। एक ट्रेडिशन होता था राजस्थान के इलाके के अंदर, राजपूतों के अंदर, कि वो मूछे इस तरह से यहाँ उठा करके गुलाईदार चीक्स पे बनती है और साथ ही एक फिरोशियस लुक जो होती है मार्शल रेस के तौर पर, फिरोशियस लुक को दिखाने के लिए, उसकी जो एबिलिटीज है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसको दर्शाने के लिए मूछे रखी जाती हैं। राजरथ में इसके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाता है कि हमारे जो एटलीस्ट सेरेमोनियल बंदे हैं वो सारे के सारे इस तरह के हम इनक्रेज करते हैं कि इस तरह की मूछे रखें। तो जहां एक और मूछे सवारी जाती है वहीं पगड़ी भी कम समय नहीं लेती।
रेजिमेंट की यूनिफॉर्म में सबसे खास है इनका सफर। साफे की लंबाई 9 मीटर होती है और ये जोधपुरी स्टाइल में पहनी जाती है। राजस्थान में हर तबके का अपना अलग अंदाज है ये साफा पहनने का। ये साफा हमारा हैंडमेड है, हम खुद तैयार करते हैं इसको। इसका साफा भी तैयार करते हैं, इसके ऊपर तुर्रा लगता है वो भी हम खुद तैयार करते हैं। और जोधपुरी साफा राजबाड़ों से जुड़ा हुआ है, इनमें ज्यादा घुमाव नहीं होता और ये ताज के तौर पर सर पर रखी जाती है। साफे पर लगे बैच पर रेजिमेंट का चिन्ह है, राजपुताना राइफल्स का चिन्ह है एक राजपुताना यमधार और युद्ध घोषणा करने वाला बिगुन और साथ में आरआर लिखा हुआ। और हम अपने हाथ से तैयार करते हैं तो हमारे को थोड़ा अच्छा लगता है, गौरव महसूस होता है, कोई बना बनाया नहीं हमारा। और पगड़ी पहने ये जवान जब गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को सलाम देते हैं तो वो नजारा देखने लायक होता है। इसलिए भी क्योंकि रेजिमेंट के जवानों का मार्चिंग स्टाइल सबसे अलग है। बाकी रेजिमेंट्स जिस स्पीड से परेड में मार्च करती हैं, राजपुताना राइफल्स के जवान एक मिनट में उससे 20 कदम ज्यादा बढ़ते हैं और उसकी वजह है उनके हाथ में मौजूद आधुनिक हल्की राइफल्स जो कि उन्हें तेज चलने से रोकती नहीं। राइफल रेजिमेंट को फ्लैंक पे चलना पड़ता है क्योंकि वो उनके तो शुरुआत ही रेगुलर किस्म के वारफेयर से हुई थी। तो अगर आपकी आर्मी यूनिट एडवांस कर रही है, फ्लैंक वाले ट्रूप्स को औरों से ज्यादा फासला तय करना पड़ेगा ताकि दुश्मन को घेर सके। तो क्योंकि फासला ज्यादा है, टाइम उतना है, तो उनकी मार्चिंग स्पीड ट्रेडिशनली औरों से ज्यादा होती है। 120 कदम पर मिनट के हिसाब से अगर बाकी रेजिमेंट्स चल रही हैं तो हम 140 के कदम पे चलते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आज राजपूत परिवार सेना का हिस्सा है। उनके लिए सेना में शामिल होना एक बहुत बड़ा सम्मान है, अपनी पलटन का इज्जत बनाए रखना उनके जीवन का मकसद। राजपुताना राइफल्स ना सिर्फ परेड में दो कदम आगे चलती है बल्कि जंग के मैदान में भी दुश्मन की सोच, दुश्मन की फुर्ती और दुश्मन के दमखम से दो नहीं बल्कि 10 कदम आगे चलती आई है और चलती रहेगी।